Myself, Dr. Physics. आज हम आपको सिखाएंगे एक बढ़िया क्वालिटी का पिज्जा बनाना घर में, वो भी बहुत किफायती रेट में। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है इसके लिए कुछ वेजिटेबल्स की, मशरूम, ऑनियन, कैप्सिकम, बाकी जो आप चाहें। दूसरा मोजिला चीज, टमाटो, स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा पनीर, ये सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, बटर, सुजवान चीज, ऑर्गेनो, पिज्जा बेस पे लगाने के लिए क्रीम, आपका फ्लेक्स और टमाटो सॉस, और ये पिज्जा बेस। अब शुरू करते हैं बनाना, और उसके लिए पहले ओवन कैसा बनाना है वो देखिए डॉक्टर फिजिक्स के स्टाइल में। सिंपल पैन, एक तस्तरी उसके ऊपर, और ये आपका, ये बन गया पिज्जा के लिए हमारा ओवन रेडी। हम इसी से आपको एक अच्छी क्वालिटी का पिज्जा बना के दिखाएंगे और खिलाएंगे। तो शुरू करते हैं पिज्जा बनकर। तो फ्रेंड्स, पहले हम लेंगे पिज्जा बेस, जैसे हम अपने बनाए हुए खुद के ओवन पे रखेंगे। बटर लगा दिया है, अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं हम लोग पिज्जा बेस पे लगाने वाली क्रीम, चटनी कह सकते हैं सिंपली। इसको अच्छे से चारों तरफ लगाइए, ये मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा दिया है, ये टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सिजवान, ये सिजवान, ये भी किस लिए होता है, टेस्ट के लिए। ये मैंने इस पर अच्छे से लगाया सिजवान, सिजवान चटनी है जिसे हम लगा चुके हैं बढ़िया तरीके से। जैसे आपकी स्वाद अनुसार इच्छा करें वैसे लगाइए। इसके बाद फिर हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर टॉपिंग डालना शुरू करते हैं जो हमें अवेलेबल है। लाइक जैसे मैंने इसमें डाला है ऑनियन, ऑनियन के साथ मैंने इसमें कैप्सिकम डाला है थोड़ा सा, इसमें मैंने डाला है मशरूम, देन फिर कुछ टमाटो, जैसा पिज्जा आप चाहें वैसे आप इसमें इंग्रेडिएंट अप्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा पनीर डाल देते हैं इसमें, ये हो गया इसके ऊपर टॉपिंग पनीर की, फिर इसमें स्वीट कॉर्न थोड़ा सा, ये हमने इसके ऊपर स्वीट कॉर्न डाल दिए अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालते हैं मोजिला क्रीम, ये हमारी मोजिला क्रीम है जो हम थोड़ी थोड़ी इसमें चारों तरफ अच्छे से डालेंगे। ये हमने मोजिला क्रीम इसके अंदर डाल दी। अब इसके बाद अपनी स्वाद अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जितना आपको चाहिए, ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, थोड़ा सा सॉल्ट जितना आप चाहें, बट ये अच्छे से चारों ओर आ जाना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा हमारा स्पेशल घर का गरम मसाला, देन अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ओवन को। ये हमने अपना ओवन, नेचुरल ओवन जो हमने बनाया है उसको स्टार्ट किया, एक फिक्स पैरामीटर फिक्स करते हैं, और ये हमने इसको पकने के लिए 10 मिनट तक रख दिया। अब 10 मिनट बाद हमारा पिज्जा हो जाएगा रेडी। फ्रेंड्स, रेडी फॉर एक्साइटेड पिज्जा। शुरू करते हैं हमारा पिज्जा कहाँ तक पहुँचा उसको देखते हैं। ये हमने अपने ओवन को खोला, खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा, खुल जा, और ये हमारा पिज्जा आया बाहर। ये है आपका पिज्जा, इसको हम सर्व करने के लिए बाहर निकालते हैं। और ये फाइनली पिज्जा फॉर यू, टेस्ट आप खुद बताएं खा के। मेड बाय डॉक्टर फिजिक्स, एंजॉय योर पिज्जा।